जय हिंद दोस्तों, विराट आईएएस एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ चल रही है उसका आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना और दूसरा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का मौलिक ढांचा। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन और कोई भी पार्ट इसका छूटेगा नहीं, ये आप एश्योर रहिए। और हम तीन स्रोतों से, तीन सोर्सेज से हम इस लेक्चर को अपने डिस्कस करेंगे जिसमें NCERT, एम लक्ष्मीकांत सर और DD बासु सर के इसमें कॉन्टेंट हम शामिल करेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये लाइंस देख लीजिए जिनकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दोस्तों यही संविधान की प्रस्तावना है, यही संविधान का प्रीएम्बल है। अब वास्तव में प्रीएम्बल है क्या, तो प्रीएम्बल कहते किसे हैं? देखो प्रीएम्बल किसी भी कानून की, किसी भी बुक की एक शुरुआत होती है यानी एक प्रेफस होता है। तो प्रीएम्बल एक प्रेफस है या ये कहिए कि प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है, एक संविधान का परिचय है। और प्रीएम्बल करता क्या है, देखिए प्रीएम्बल संविधान को एक उद्देश्य दिखाता है, एक गाइडिंग पर्पस दिखाता है संविधान को। ये संविधान के सिद्धांतों के बारे में बताता है, प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। और नेक्स्ट बात हम ये कह सकते हैं कि ये संविधान की फिलॉसफी के बारे में बताता है, दर्शन के बारे में बताता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि भारत का जो संविधान है, संविधान का जो प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल संविधान का प्रेफस है यानी उसकी शुरुआत को बताता है, यानी उसका इंट्रोडक्शन देता है। ये संविधान का एक गाइडिंग पर्पस है, ये संविधान के प्रिंसिपल्स को बताता है, ये संविधान की फिलॉसफी को शो करता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी जड़ें कहाँ है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अपने डिस्कस किया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जब संविधान बन रहा था तो उस संविधान सभा में जो तीसरी मीटिंग हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो तीसरा सम्मेलन हुआ था, तीसरी मीटिंग हुई थी, तो उसमें इस डेट को एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अर्थात उद्देशिका प्रस्ताव। तो प्रीएम्बल की जड़ें या प्रस्तावना की जड़ें या ओरिजिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, उद्देशिका प्रस्ताव में है। और ये जो उद्देशिका प्रस्ताव है यही प्रीएम्बल के लिए एक ब्लूप्रिंट देता है, ये इसने एक ब्लूप्रिंट दिया था प्रीएम्बल के लिए। ब्लूप्रिंट मतलब एक मोटे तौर पर आप समझ लीजिए एक नक्शा या एक खाका दिया था। और अगर हम संसार की बात करें तो संसार में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पहला संविधान था जिसमें प्रीएम्बल, जिसकी शुरुआत प्रीएम्बल से हुई थी। तो ऐसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। एक फेमस थिंकर है NA पालखीवाला, एक मशहूर संविधानविद है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं। NA पालखीवाला ने प्रीएम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहकर पुकारा, आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान का परिचय पत्र कहा। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये भी है कि जो प्रीएम्बल है ये जो इनेक्ट किया गया था, जो बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, जो प्रीएम्बल का इनेक्टमेंट हुआ था
ये पूरे के पूरे संविधान के बनने के इनेक्टमेंट होने के बाद प्रीएम्बल को लाया गया था संविधान में, ताकि उसको संविधान के अनुरूप ढाला जा सके। तो दोस्तों पहले संविधान आया था, फिर प्रीएम्बल को उसके अनुरूप ढालने के लिए बाद में लाया गया। अब देखिए जो प्रीएम्बल है हमें ये कई सारे पॉइंट्स बताता है और मोटे तौर पर 6 आइडियाज़ देता है ये। और वो 6 आइडियाज़ कौन कौन से हैं इसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। तो प्रीएम्बल जो 6 आइडियाज़ देता है, पहला आइडिया ये है कि प्रीएम्बल हमें बताता है कि संविधान का सोर्स क्या होगा, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, संविधान ये बताता है कि इंडियन स्टेट की नेचर क्या होगी, यानी जो भारतीय राज्य है उसकी प्रकृति क्या होगी। तीसरी बात, प्रीएम्बल हमें संविधान का ऑब्जेक्टिव बताता है, उद्देश्य क्या होगा संविधान का। और चौथी बात, हमें प्रीएम्बल से पता लगती है डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, यानी संविधान किस तारीख को एडॉप्ट किया गया। पांचवी बात, हमें प्रीएम्बल से ये पता लगती है कि प्रीएम्बल ना तो संविधान का कोई सोर्स है, नीदर अ सोर्स, और ना ही लेजिस्लेचर की यानी पार्लियामेंट की, संसद की जो शक्ति है, ना उस प्रीएम्बल उसके ऊपर ना ही कोई प्रतिबंध लगाता है, नोर प्रोहिबिशन ऑन लेजिस्लेचर, यानी संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध प्रीएम्बल के द्वारा नहीं लगाया जाता। और छठा आइडिया प्रीएम्बल हमें बताता है, इससे हमें पता लगता है कि प्रीएम्बल अपने आप में नॉन जस्टिसिएबल है, अर्थात गैर न्याय योग्य है, मतलब इसको कोर्ट में अदालत में ले जाकर लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब ये एनफोर्सिएबल नहीं है। तो ये 6 आइडियाज़, ये 6 बातें दोस्तों हमें प्रीएम्बल से पता लगती हैं। तो पहली बात, हमें सोर्स की बात करेंगे। तो प्रीएम्बल हमें बताता है कि संविधान का सोर्स क्या है। तो संविधान का सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, यानी संविधान अपनी ताकत कहां से ले रहा है, भारत के लोगों से। दूसरा, जो इंडियन स्टेट की जो नेचर है ये पता लगती है संविधान से। तो यानी इंडियन स्टेट की नेचर क्या है, सॉवरन है, संप्रभु है, इंडियन स्टेट सोशलिस्ट है, इंडियन स्टेट सेक्युलर है, इंडियन स्टेट डेमोक्रेटिक है, और इंडियन स्टेट की नेचर रिपब्लिकन है, मतलब गणराज्य है। तो ये नेचर हमें पता लगती है इन 5 कीवर्ड्स में, नेचर छिपी हुई है। सॉवरन मतलब संप्रभु, अब भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत अब 7 समंदर पार बैठे इंग्लैंड से संचालित नहीं होगा, भारत अब स्विट्जरलैंड की तरह पूरी तरह आज़ाद है, भारत सोशलिस्ट है मतलब यहाँ पूरी तरह बराबरी है इकोनॉमिक पैटर्न पर, सेक्युलर मतलब अब यहाँ राज्य का, देश का कोई धर्म नहीं होगा, डेमोक्रेटिक मतलब लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे, एटसेट्रा। तो ये नेचर ऑफ स्टेट हमें पता लगती है प्रीएम्बल से। तीसरा पॉइंट, प्रीएम्बल हमें ऑब्जेक्टिव बताता है, और जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे प्रीएम्बल के वो 4 हैं। पहला है जस्टिस अर्थात न्याय, दूसरा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी अर्थात समानता, और चौथा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुत्व। प्रीएम्बल से हमें डेट ऑफ एडॉप्शन पता लगती है, और डेट ऑफ एडॉप्शन यानी इसको अपनाने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949। संविधान को अपनाने की डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। और वो हमने डिस्कस कर लिया। पांचवा पॉइंट कि ना तो प्रीएम्बल से संविधान अपनी, संविधान का कोई स्रोत है ये, और ना ही इसके ऊपर, ना ही ये संसद के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा रहा है। और छठा पॉइंट, किसी भी अदालत से इसको लागू नहीं कराया जा सकता किसी भी अदालत में ले जाकर। तो ये 6 बातें हमने डिस्कस की, थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे। अब देखिए, हम नेचर ऑफ स्टेट की बात कर रहे थे, और नेचर ऑफ स्टेट में पहला शब्द है सॉवरन, संप्रभु। देखो
सिंपली हमने इसको समझने की कोशिश की कि सॉवरन का या संप्रभु का मतलब है कि भारत के ऊपर अब किसी दूसरे देश की नहीं चलेगी, भारत स्विट्जरलैंड की तरह अब आज़ाद है। तो सॉवरेंटी में देखिए इंडिया दो टाइप से सॉवरन है। पहली बात, भारत किसी भी दूसरी विदेशी ताकत के कंट्रोल में अब भारत नहीं है, भारत पूरी तरह फ्री है, यानी इंडिया इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। और दोस्तों इसको कहा जाता है इस बात को कि भारत एक्सटर्नली सॉवरन है। एक्सटर्नली सॉवरन मतलब बाह्य रूप से संप्रभु है भारत। दूसरी बात देखिए, जो भारत की सरकार है वो एक फ्री गवर्नमेंट है, यानी एक पूरी तरह स्वतंत्र सरकार है जिसे डायरेक्टली भारत के लोगों ने चुना है। इसका मतलब हुआ कि इंडिया इज इंटरनली सॉवरन, अर्थात भारत आंतरिक रूप से भी संप्रभु है। तो ये दूसरा टर्म है, और इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड आइडिया की। उसमें सॉवरन के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्ड है सोशलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट वर्ड है ये ऐड किया गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। और दोस्तों ये जो समाजवाद है, जो सोशलिज्म है, ये एक इकोनॉमिक टर्म है, एक आर्थिक शब्दावली है। और भारत ने जिस तरह की अर्थव्यवस्था को अपना रखा है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी ना तो हमने सोवियत रूस की तरह पूरी तरह कम्युनिस्ट समाजवादी मॉडल को अपनाया और ना अमेरिका के पूरी तरह कैपिटलिस्ट मॉडल को स्वीकार किया, बल्कि दोनों के मिक्सचर को स्वीकार किया। और दोस्तों भारत के संविधान में अगर हम सोशलिज्म को ढूंढें तो सोशलिज्म मिलता है भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यानी DPSP में। और इससे भी आगे बढ़कर अगर हम भारत के सोशलिज्म को देखें तो भारत में दोस्तों जो सोशलिज्म है, भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है भारत में, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद। और भारत का ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका मतलब क्या है? देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, बड़े ध्यान से समझने की बात है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का यानी लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि हमारा ये उद्देश्य है कि देश से गरीबी को समाप्त किया जाए, टू एंड द पॉवर्टी। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का पहला मतलब हुआ गरीबी को समाप्त करना, दूसरा मतलब हुआ टू एंड द इग्नोरेंस, अर्थात अज्ञानता को समाप्त करना, और तीसरा है किसी भी तरह की बीमारी को खत्म करना, चौथा है किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को समाप्त करना, किसी भी तरह की असमानता को समाप्त करना। और ये सारी बातें बताई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि गरीबी हटे, अज्ञानता हटनी चाहिए, बीमारियां समाप्त होनी चाहिए और किसी भी तरह की असमानता या इनइक्वालिटी देश में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर, इनइक्वालिटी के स्थान पर इक्वालिटी आनी चाहिए, समानता आनी चाहिए। तो हमने ये समझ लिया कि इंडियन सोशलिज्म का एक टाइप है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दूसरा जो सोशलिज्म है ये एक यूनिक मिक्सचर है। भारत के सोशलिज्म में गांधीवादी विचार भी है और इसमें मार्क्सवादी विचार भी है। तो ये एक यूनिक ब्लेंड है गांधीज़म और मार्क्सिज्म का, यानी कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों का मिश्रण है भारत का समाजवाद। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में, भारत की जो नेचर है इंडियन स्टेट की वो सेक्युलर है, सेक्युलर अर्थात पंथ निरपेक्ष। और सेक्युलर जो शब्द है ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इस शब्द को शामिल किया गया। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ ये जो सेक्युलर शब्द है दोस्तों, सेक्युलर, भारत का सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट विल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ऑन।
और दूसरी बात, देश में जितने भी व्यक्ति होंगे, देश के हर व्यक्ति को, एवरी पर्सन को, अपने धर्म के प्रचार की, प्रसार की और पालन की पूरी आज़ादी होगी। तो ये मतलब है दोस्तों इस पॉजिटिविटी का। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भारत के संविधान में लिखा हुआ जो सेक्युलर शब्द है प्रीएम्बल में, ये 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा ऐड किया गया। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक सकारात्मक अवधारणा है, जिसका मतलब ये है कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, और सभी पर्सन्स, देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के पालन करने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की, यानी प्रोफेस की, प्रोपेगेशन की, फॉलो करने की पूरी आज़ादी होगी। और ये जो बात आई है कि एवरीबडी लिविंग इन इंडिया इज एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस टू प्रोफेस, टू प्रोपेगेट, ये जो सारी बातें आई हैं, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस में कही थी, जिस केस का नाम आप जानते होंगे, सुना होगा आपने, एस आर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें ये सारी बातें बोली सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा अगर हम भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, तो यहाँ भी सेकुलर करेक्टर झलकता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये सारे के सारे आर्टिकल भारत के सेकुलरिज्म को शो करते हैं, धार्मिक आज़ादी को शो करते हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेमोक्रेटिक। इसका मतलब है कि हमारे संविधान ने ऐसी सरकार की स्थापना की है जो अपनी अथॉरिटी देश की जनता से प्राप्त करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ गवर्नमेंट विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो भारत की सरकार अपनी पावर हासिल करती है भारत की जनता से ही, यानी भारत की जनता ही पावर देती है सरकार को, और इसी को दोस्तों कहते हैं, और यही कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पावर सॉवरेंटी। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, इसी को बोलते हैं, अर्थात लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। जो भारत के शासक हैं, जो रूलर्स हैं, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं और उन्हीं के प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं, लोगों के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। और भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। ये आप कह सकते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र का टाइप है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अर्थात प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र, जिसके अंडर में क्या है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी 18 साल या इससे ऊपर के सभी व्यक्तियों को, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, वोट देने का अधिकार सबको हासिल है। दूसरी बात, पीरियोडिक इलेक्शंस हैं, मतलब समय समय पर इलेक्शंस होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तीसरा मतलब है कि यहाँ पर जंगल राज नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और यहाँ पर किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों ये सारे मतलब हैं डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में नेक्स्ट टर्म है रिपब्लिक। अब देखो रिपब्लिक का क्या मतलब है? देखो जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने अपने देश के संविधान को रिपब्लिक कैरेक्टर दिया ताकि ब्रिटेन के डेमोक्रेटिक सिस्टम से अलग अपने आप को रखा जा सके। जबकि इंडिया ने अपना बीच का रास्ता चुना, ना तो भारत पूरी तरह अमेरिका की तरह रिपब्लिक है और ना ही कम्प्लीटली भारत ब्रिटिश पैटर्न पर चलता है, बल्कि भारत ने अपने संविधान की प्रस्तावना में अपने आप को कहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में भारत ने खुद को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी जो राष्ट्रपति होंगे, हेड ऑफ द स्टेट,
इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और इनका एक फिक्स्ड टर्म होगा। तो राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? एमपी और एमएलए के द्वारा। इसका मतलब इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है और 5 ईयर्स के लिए इंडियन प्रेसिडेंट चुना जाता है। और दोस्तों ये मतलब हुआ रिपब्लिक का। नेक्स्ट बात देखो, प्रियम्बल हमें संविधान का उद्देश्य बताता है। नेक्स्ट आइडिया पर चलते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो इंडियन स्टेट का ऑब्जेक्टिव बताती है। प्रस्तावना देखो, जो इंडियन स्टेट का ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस अर्थात न्याय। अब देखो ये जो जस्टिस है ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट शामिल किया गया और हमने इसको एडॉप्ट किया, हमने ग्रहण किया इसको रशिया की क्रांति से। रशियन रेवोल्यूशन आया था 1917 में। और 3 टाइप के जस्टिस की बात प्रियम्बल करता है। पहला जस्टिस होगा सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस अर्थात आर्थिक न्याय और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस अर्थात राजनीतिक न्याय। और देखो जस्टिस का मतलब होगा कि इन पैरामीटर्स पर, यानी सामाजिक पैमाने पर, आर्थिक पैरामीटर पर और राजनीतिक आधार पर किसी के साथ कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, सबके साथ बराबरी होगी, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। तो 3 तरह के जस्टिस की बात हुई। दूसरा ऑब्जेक्टिव बताता है इक्वालिटी अर्थात बराबरी। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो इक्वालिटी शब्द आया ये फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया। और इक्वालिटी की बात की जाती है स्टेटस की इक्वालिटी प्लस अपॉर्चुनिटी, अवसर की बराबरी, अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी देखो फंडामेंटल राइट में गारंटीड की गई है। और दोस्तों जो सिविक इक्वालिटी है इसकी गारंटी देता है नागरिक समानता की, हमारा फंडामेंटल राइट। और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है राजनीतिक समानता, इसके 2 आर्टिकल आप याद रखेंगे। पहला आर्टिकल आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 कहता है कि सबका वोट बनेगा, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये बात लिखी गई है आर्टिकल 325 में। और दूसरी इक्वालिटी है जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो आर्टिकल 326 में है, जो आर्टिकल 326 बोलता है कि सबको वोट डालने का राइट होगा, सबको वोट डालने का अधिकार होगा। तो इक्वालिटी कहाँ से आई दोस्तों? फ्रांस के संविधान से। इक्वालिटी 2 तरह की है, एक स्टेटस की, दूसरी अपॉर्चुनिटी की। और यहाँ पर इक्वालिटी की 2-3 कैटेगरीज और बनती हैं जिसमें सिविक लिबर्टी, सिविक इक्वालिटी जो हमारे फंडामेंटल राइट में दी गई है नागरिक बराबरी, और दूसरा पॉलिटिकल इक्वालिटी जो आर्टिकल 325 जो कहता है कि इलेक्टोरल बनाने में यानी वोट बनाने में सबको बराबरी होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा। और आर्टिकल 326 इसी के तहत आता है जिसका मतलब है कि सबको 18 साल या उससे ऊपर के हर बंदे को वोट डालने का अधिकार होगा। और तीसरी इक्वालिटी है दोस्तों इकोनॉमिक इक्वालिटी अर्थात आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब है कि देश में जो रिच और पुअर होंगे उनके बीच के गैप को कम से कम रखने की कोशिश करी जाएगी और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये बराबरी की बात करते हैं। तो इक्वालिटी के तहत इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं 3 शब्द हैं, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट के तहत हम बात करेंगे दोस्तों लिबर्टी की, स्वतंत्रता। ये भी फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया। और भारत के संविधान में लिबर्टी कितने तरह की प्रीएम्बल में डिस्कस्ड है? तो ये 5 टाइप की है। पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचारों की आज़ादी। दूसरा है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सारी की सारी जो लिबर्टीज हैं ये आर्टिकल 19 में इनकी गारंटी दी गई है। इसी के तहत एक शब्द आता है दोस्तों फ्रेटर्निटी, ये भी प्रियम्बल का एक प्रमुख शब्द है और ये भी फ्रांस से ग्रहण किया गया।
और फ्रेटर्निटी के बारे में कहा गया कि हर बंदे की डिग्निटी को एंश्योर किया जाएगा और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर भी कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। और आप देखो कि जो भारत के मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो आर्टिकल 51A है, वो भारत के सभी नागरिकों के बीच एक बंधुत्व, एक भाईचारा लाने की बात कहता है। तो ये हमने बात की दोस्तों, भारत के संविधान में जो प्रीएम्बल है, जो प्रेफेस है, उसके आइडिया के बारे में कि किस तरह से वो नेचर बताता है इंडियन स्टेट की, किस तरह से वो सेकुलरिज्म को झलकाता है, किस तरह से वो भारत के संविधान यानी जो इंडियन स्टेट है उसका ऑब्जेक्टिव बताता है, तो ये सारी बातें हमने की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रीएम्बल का महत्व क्या है या महत्व क्या है। देखो, इस सिग्निफिकेंस को हम दो संवैधानिक एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है के एम मुंशी का, इनका कहना यह है कि प्रीएम्बल हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप है, मतलब जन्म कुंडली है। इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किसने बात कही? के एम मुंशी ने। दूसरा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने कहा कि प्रीएम्बल हमारे संविधान की सोल है, आत्मा है हमारे संविधान की, जो एक राजनीतिक बराबरी की बुनियाद डालती है। और इसमें ऐसा रिजोल्यूशन भी शामिल है, ऐसा इसमें वादा या प्रॉमिस शामिल है जो जिसको मतलब जो एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है, ऐसा प्रॉमिस, ऐसा रेजोल्यूशन शामिल है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने कहा कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बड़े ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि क्या प्रीएम्बल का अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या अमेंड किया जा सकता है? तो इसका जवाब है यस, हाँ जी, किया जा सकता है। और कितनी बार किया गया? एक बार अभी तक प्रीएम्बल का संशोधन किया गया है। और कब किया गया? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा किया गया। अब देखो, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें स्टेट को तीन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया था। इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये शब्द ऐड किए गए, इसमें मौलिक संविधान में शब्द नहीं थे। तो अब जो वर्ड है वह है सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो ध्यान किस बात का रखना है? बस ध्यान इस बात का रखना है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में। एक बहस ये भी देश में चली कि क्या प्रीएम्बल संविधान का भाग है, ये संविधान से हटकर है या अलग है, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग केसेस में इसका अलग अलग जजमेंट दिया, अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया। सबसे पहले 1960 में एक फेमस केस आया था 60s में, बेरू बारी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि प्रीएम्बल संविधान को समझने में हमारी हेल्प करता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये ओपिनियन दिया था कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। तो बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद दोस्तों 1973 में एक केस आता है, केशवानंद भारती केस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है। तो बेरोबारी केस में दिए गए अपने जजमेंट को पलट दिया, ओवर रूल कर दिया। और यहाँ पर एक बात ये दी गई केशवानंद भारती में कि प्रीएम्बल संविधान का ही एक हिस्सा है। फिर 1995 में एक और केस आया, LIC ऑफ इंडिया केस,
और इसमें फिर इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरह से दोस्तों हमने समझा कि प्रीएम्बल आज की तारीख में संविधान का भाग है। तो प्रीएम्बल के बारे में ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। अब आइए हम डिस्कस करेंगे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर टर्म के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक ढांचा क्या है। अक्सर आप संविधान को पढ़ते हुए ये टर्म आपके सामने आई होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बार बार नाम सुनते हैं पॉलिटी के लेक्चर्स में केशवानंद भारती केस का। तो देखो, सबसे पहले मतलब समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का, मौलिक ढांचे का। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है संविधान के जो संविधान का जो बेस है, संविधान का ये एक टाइप से पिलर है। और ये मौलिक संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर नाम का शब्द कहीं भी मेंशन नहीं था, बल्कि ये तो जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका आविष्कार किया। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ना तो क्लियरली बताया है कि ये क्या है और ना ही इसकी कहीं कोई डेफिनेशन दी गई है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। बस एक मोटे तौर पर एक आइडिया है, एक विचार है कि ये संविधान का बेस है, ये संविधान का एक पिलर है। और इसका ओरिजिन अब कहाँ से हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मुकदमे, कई सारे जो केसेस थे उनसे इसका एवोल्यूशन हुआ। पहला मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में गया था दोस्तों, वो केस गया था शंकरी प्रसाद केस में। शंकरी प्रसाद केस 1951 का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जिस सवाल का जवाब देना था, वो सवाल ये था कि क्या फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। आप जानते हो कि संविधान के आर्टिकल 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की पावर दी गई है, यानी कुछ जोड़ने घटाने की पावर दी गई है। तो शंकरी प्रसाद के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था कि क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। अब ऐसा सवाल क्यों था, क्योंकि 1951 में संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ था और प्रॉपर्टी का जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको छीन लिया गया था, उस पर आंच आई थी। तो क्वेश्चन ये आया था कि फंडामेंटल राइट तो अमेंड हो ही नहीं सकते, ये बहस थी और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था कि फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में कहा कि देखो, हमारी जो पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है और छीन सकती है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद 1967 में एक और मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, दो वर्ड यूज़ किए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों गोलकनाथ केस में। पहला वर्ड फंडामेंटल राइट के लिए उसने वर्ड यूज़ किया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट अपने सारे जजमेंट इंग्लिश में देता है, तो फंडामेंटल राइट को गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया ट्रांसेंडेंटल। और इसके अलावा फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया दोस्तों इम्यूटेबल, यानी स्थिर और पारलौकिक हैं, यानी इनकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता। इसलिए संसद किसी भी फंडामेंटल राइट को ना तो कम कर सकती है और ना छीन सकती है। अब देखिए, ये बात शंकरी प्रसाद के जजमेंट के बिल्कुल अपोजिट थी। शंकरी प्रसाद के मामले में तो ये कहा था कि संसद किसी भी फंडामेंटल राइट को कम भी कर सकती है और छीन भी सकती है, लेकिन गोलकनाथ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी मूल अधिकार को, किसी भी फंडामेंटल राइट को ना छीन सकती है और ना ही कम कर सकती है। और जैसे ही ये बात आई तो इसका मतलब पार्लियामेंट के हाथ काट दिए गए, पार्लियामेंट की पावर सीमित हो गई कि पार्लियामेंट मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब उस समय की जो सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट की इस बात को पलटने के लिए एक संविधान संशोधन पारित किया
जो 24वां संविधान संशोधन कहलाता है, जो 1971 में लाया गया, ये पारित किया, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट को कम करने की भी पावर है और उसको छीनने की पावर भी है, जैसा कि आर्टिकल 368 में संशोधन की शक्ति है, तो संसद कर सकती है मूल अधिकारों को कम भी और समाप्त भी। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को ना तो छीन सकती है ना कम कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ने 24वां संविधान संशोधन लाकर सुप्रीम कोर्ट की बात को पलट दिया और कहा कि संसद फंडामेंटल राइट को एवरेज भी कर सकते हैं, यानी कम भी कर सकते हैं और छीन भी सकते हैं, यानी टेक अवे भी कर सकती है। अब ये जो धुंध थी, तो इस सारी धुंध को कम करने का, छांटने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले मुकदमे में। केशवानंद भारती साहब जो थे, ये केरल के एक प्रमुख मठ के मठाधीश थे और उनकी कुछ संपत्ति, कुछ ज़मीन स्टेट ने एक्वायर कर ली थी, तो उस संबंध में फंडामेंटल राइट का सवाल फिर से आ गया था। तो केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 में ये जजमेंट आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में से एक माना जाता है भारत के संविधान का। केशवानंद भारती केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1967 के गोलकनाथ केस को ओवररूल कर दिया, पलट दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो संसद है, इसको पूरा हक है फंडामेंटल राइट को कम करने का या छीन लेने का। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया, अर्थात मौलिक ढांचे का सिद्धांत कहा गया, और कहा कि आर्टिकल 368 जिसमें के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है, ये आर्टिकल 368 की जो शक्ति है ये तो पार्लियामेंट के पास रहेगी, वो कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ पार्लियामेंट कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। हमारी संसद फंडामेंटल राइट के उस हिस्से को नहीं ले सकती जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मौलिक ढांचा जो संविधान का है, उसको संसद ले नहीं सकती, कम नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती। और दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया कि आज तक बेसिक स्ट्रक्चर की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। अब केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ गई, पार्लियामेंट को पूरा अधिकार दे दिया गया कि ये संविधान के किसी भी हिस्से में कोई भी चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी कर सकती है, फंडामेंटल राइट को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब देखो इस केशवानंद भारती केस का दोस्तों इफेक्ट क्या हुआ। देखो इसका पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि पार्लियामेंट की जो संशोधन करने की शक्ति है, जो अमेंडिंग पावर है, इसको सीमित कर दिया गया, इसको लिमिट कर दिया गया। दूसरा, इसने पार्लियामेंट को अलाउ कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए संसद संविधान के सभी हिस्सों में अमेंड कर सकती है। और तीसरी बात, केशवानंद भारती केस का जो असर हुआ कि इसने जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, इसको अमेंडमेंट के बारे में फाइनल अथॉरिटी दे दी कि अगर अमेंडमेंट के बारे में कोई सवाल उठेगा तो उस पर जो फाइनल विचार होगा वो जुडिशरी का होगा, अंतिम फैसला जुडिशरी का होगा। 1975 में एक केस आया था, इंदिरा नेहरू गांधी केस, और इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से दोहराया गया, रीअफर्म किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में खुद अनुच्छेद 368 को अमेंड कर दिया गया और सरकार ने कह दिया। देखो इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि 1973 में जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि संसद संविधान
मूल अधिकार सब जगह संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मौलिक ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, तो संसद इस बात से बेचैन हो उठी और जो उस समय की सरकार थी वो केशवानंद भारती केस के जजमेंट को पलटने के लिए ही 42वां संविधान संशोधन लेकर आई थी, जिसमें आर्टिकल 368 में ही संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि संसद की जो संशोधन करने की जो शक्ति है वो असीमित है, यानी उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते बेसिक स्ट्रक्चर कहकर। और एक बात ये भी कही कि संसद जो अमेंडमेंट करेगी जो भी संशोधन करेगी उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, यानी इसका रिव्यू नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 1980 में एक और केस की सुनवाई हुई, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 का एक मुकदमा है। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वो जो 42वां संविधान संशोधन था, इस 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को निरस्त कर दिया, क्योंकि इनसे जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा है, यानी न्यायिक समीक्षा वाली जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है वो छीनी जा रही थी, इसलिए उसने 42वें संविधान संशोधन के इन प्रावधानों को इनवैलिडेट किया, इन्हें निरस्त कर दिया और ये दोहराया कि बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही संसद संशोधन करेगी, वरना नहीं कर सकती। और ये भी दोहराया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके अपने संविधान संशोधन की शक्ति को बढ़ा नहीं सकती, एक्सपेंड नहीं कर सकती। तो तीन बातें मिनर्वा मिल्स केस की इंपॉर्टेंट हैं और ये याद रखनी चाहिए हमें। इसके बाद अगले ही साल 1981 में एक और फेमस केस आता है सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर, जिसका नाम था वामन राव केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया, स्पष्ट किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है ये 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने जजमेंट आए हैं ये केवल उन पर अप्लाई होगा, और 9th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। अब आप जानते हो कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से डाली गई थी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 12 शेड्यूल पढ़े थे, 12 अनुसूचियाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने 9वीं अनुसूची पढ़ी थी, तो इस 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन से डाला गया था। और इस 9वीं अनुसूची में गवर्नमेंट ने उन सब्जेक्ट्स को, उन विषयों को शामिल कर दिया था और ये कहा था कि इस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट शामिल हो जाएगा उस पर सुनवाई करने का अधिकार, रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट इन पर सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के हाथ काटने की कोशिश की गई थी 9वीं अनुसूची संविधान में डालकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो ये कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए मामलों पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि देखो भैया 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी मामले आएंगे, चाहे वो संविधान के किसी भी हिस्से में हो, हम सब पर सुनवाई करेंगे, चाहे वो 9वीं अनुसूची में ही क्यों ना हो। तो ये बात हुई 9वीं अनुसूची की और वामन राव केस की। तो अब देखो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो देखो अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में कोई भी संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो मौलिक ढांचा है, उसमें कोई छेड़छाड़ संसद नहीं कर सकती, उसका उसे ध्यान रखना पड़ेगा। होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक ढांचे की डेफिनेशन तो कहीं नहीं दी गई, लेकिन अपने डिफरेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में, न्यायिक निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर बताया है कि क्या बातें बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सी बातें बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। तो जब केशवानंद भारती केस आया था 1973 का, उसमें
1973 में चीफ जस्टिस थे सीकरी साहब, इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, आप मेरे साथ नोट करते चलें। जस्टिस सीकरी ने केशवानंद भारती केस में कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पहला बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने बताया सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता, कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा, जो रिपब्लिकन कैरेक्टर है सरकार का और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है, ये भी सरकार का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी नहीं बदला जा सकता। देश का जो सेक्युलर कैरेक्टर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, जो सेपरेशन ऑफ पावर है यानी शक्तियों का पृथककरण, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, जो फेडरल कैरेक्टर है संविधान का, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो संविधान का संघीय स्वरूप है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इन चीज़ों को संसद नहीं बदल सकती, संसद इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, संविधान सर्वोच्च ही रहेगा भारत में, संसद इसको नहीं छेड़ सकती। तो सरकार के ढांचा देश का रिपब्लिकन रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, इलेक्शन से ही सरकार बदलेगी, देश सेकुलर रहेगा, इस बात को बदलने की ताकत संसद के हाथ में नहीं है, यानी संसद माई बाप नहीं है भारत में। और हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद दोस्तों सर्वोच्च नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। संसद तो सर्वोच्च है ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ये बात दोहराई केशवानंद भारती केस में न्यायमूर्ति सीकरी साहब ने। तो बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ, ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब संसद के पास इनको बदलने की ताकत नहीं रखती, चाहे कोई भी सरकार लोकसभा राज्यसभा की सारी सीटें जीत ले, भारत के सारे 28 के 28 राज्यों में अपनी सरकारें बना ले, तो भी विपक्ष अगर ख़त्म भी हो जाएगा भारत से, तो भी सरकार के हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो इनको बदल दे, क्योंकि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इन पॉइंट्स को बदलने की पावर संसद के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और कई सारे बातों को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, जैसे भारत एक वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो वेलफेयर स्टेट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो DPSP में दिया गया जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, देश की जो एकता और अखंडता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, देश की जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर में और भी कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया, जैसे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर प्रीएम्बल में जो तीन तरह के जस्टिस की बात आई है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिर जो पांच तरह की लिबर्टी की बात आई है संविधान में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी बदला नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट की पावर है संसद या विधानसभा के किसी कानून को परखने की, या किसी ऑफिसर्स के किसी एक्शन की, उसको रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और इसको न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को छीना नहीं जा सकता, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। आर्टिकल 14 को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जिसमें इक्वालिटी की बात की गई है। और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, यानी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इसको भी दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कहा गया कि ये डेमोक्रेसी का साइन क्वा नोन है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल टर्म यूज़ की, यानी बुनियाद है, आधारशिला है ये लोकतंत्र की, इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों ये हमने बात की कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये सिद्धांत इवॉल्व हुआ, कैसे इसका उद्विकास हुआ। अब हम ये देख लेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर की आलोचना भी की जाती है, कई सारे बिंदुओं पर आलोचना होती है। पहली आलोचना
इस बात पर होती है कि देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, संविधान में अर्थात इसका कोई वर्णन नहीं है, और ये एक तरह से संविधान को दोबारा लिखने की बात है। इट इज लाइक री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ये जुडिशरी के द्वारा जो चुनी हुई जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जो बहुमत प्राप्त सरकार है, उसमें ये एक गैर कानूनी हस्तक्षेप है, इललेजिटिमेट इन्फ्रिंजमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर की अगली आलोचना हम ये दे सकते हैं कि अभी तक, आज तक क्लियर कट रूप से ये नहीं पता कि किस बात को बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा और किस बात को नहीं कहा जाएगा। अलग अलग जजों ने अलग अलग बातों को बेसिक स्ट्रक्चर माना, तो इसका मतलब इट इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है, इसमें व्यक्तिनिष्ठता है, इसमें सब्जेक्टिविटी है। हर बंदा अपने हिसाब से अलग बात को बेसिक स्ट्रक्चर मान लेता है। अगली आलोचना, बेसिक स्ट्रक्चर ने जुडिशरी को एक तरह से तीसरा चैम्बर बना दिया हमारी संसद का। दो चैम्बर तो पहले से हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो किसी चीज़ को तय करना पार्लियामेंट का हाथ है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। तो एक तरह से जुडिशरी एक तरह से लोकसभा राज्यसभा के अलावा एक तीसरा चैम्बर बन गई है, तीसरा सदन बन गई है जुडिशरी। तो जुडिशरी ट्रांसलेट हो गई है एक थर्ड डिसाइसिव चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। तो ये कुछ आलोचनाएं आप लिखोगे मेंस में अगर क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो कम नहीं हो जाता, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसके पक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट जाते हैं, देखो, भारत की जुडिशरी का संविधानवाद के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा योगदान है, कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा, इस सिद्धांत ने, बेसिक स्ट्रक्चर ने संविधान की सर्वोच्चता को मेंटेन रखने में मदद की है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर बरकरार रही है तो इसी सिद्धांत की वजह से रही है। और इसने जो सरकारें 5 साल के लिए चुनकर आती हैं उनके ऊपर बैन लगाया है, उनके कदम थाम दिए हैं, उनके हाथ बांध दिए हैं इस सिद्धांत ने, कि वो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती संविधान के मूल भावना को, नष्ट कर दे कोई भी पावरफुल ताकत आके। तो ये संभव अगर हुआ तो ये इसी कॉन्सेप्ट से संभव हो पाया है। तो कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ प्रोहिबिटेड दिस डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहा जाता है देखो कि अनिश्चित लोकतंत्र हमेशा एक निश्चित निरंकुशता से बेहतर होता है, एक निश्चित निरंकुशता से बेहतर होता है, यानी अनसर्टेन डेमोक्रेसी इज बेटर देन अ सर्टेन टायरनी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये सिद्धांत ना होता बेसिक स्ट्रक्चर का, तो ये गारंटेड बात है कि भारत एक तानाशाही राज्य में बदल गया होता और वन पार्टी रूल आ जाता चाइना की तरह भारत में। तो ये इसी सिद्धांत का कमाल है, एमरजेंसी में भारत देख चुका था इस खतरे को, तो इसी सिद्धांत की वजह से संभव हो पाया कि ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट, जहां तक जुडिशरी की बात है, तो जुडिशरी ने इस सिद्धांत को बहुत जिम्मेदारी के साथ लागू किया और अपने स्टैंडर्ड को हमेशा हाई रखा, हाई स्टैंडर्ड रखे हमेशा जुडिशरी ने। फॉर एग्जाम्पल 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2015 में, जिसमें जजों की अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सरकार लेकर आई थी, और इसको ख़त्म कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया इसको कोर्ट ने, कहकर कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। अगर हम दोस्तों कुछ वैश्विक उदाहरण देखें, कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल देखें, तो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसके सिद्धांतों को अप्लाई किया, और जो जर्मनी का बेसिक लॉ है, उसका जो बेसिक लॉ का आर्टिकल 79 क्लॉज सी है, ये भी कहता है
कि कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको संविधान की कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज ये सब डिस्कस किया, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, हमने प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस किया। आप इस लेक्चर को बार बार करके देखिए, स्पीड घटा बढ़ाकर जैसे आपको सुविधा लगे ऐसे देखिए, और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, आप शॉर्ट नोट्स इसका मेंटेन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे और ये सिलसिला हमारे संविधान को ख़त्म करने का, पॉलिटिकल लेक्चर को समेटने का प्री और मेंस के लिए एज इट इज़ हमारा चलता रहेगा। टिल देन थैंक यू दोस्तों।